अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहां हसन नगर में रहता हूं। यहां की आवाम बहुत परेशान हाल है और बहुत मुस्तिक है, सुनिए इनकी परेशानी। क्या अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे शोहर ऑटो चलाते, कमाना तो खाना है, चालाना हो जा रहे, अब आप कुछ मदद करें तो हमारी मदद हो जाती। कारोबार नहीं है, लोग कर रहे नहीं, कोरोना हो गया बोल के, अब ऐसा रहा तो घर के किराए, घर के अखराज बहुत चीज़ें हैं भैया, ऐसा रहा तो हम बहुत परेशान हो जा रहे। आपसे जो भी मदद हुई हमारी मदद करिए। बोलिए मैं आपको। हमारे बच्चे चार भी शादी खाने में काम करते हैं, कुछ भी नहीं, हम लोगों के पास बैठे हुए शादी खाने बंद है, लॉकडाउन की तरफ से ऑर्डर नहीं है ना, कुछ नहीं है, मेरा बच्चा हम लोग खाने को नहीं है, हमारे किराए मकान भर दम कर दे, हद से ज्यादा दम कर दे, उससे भी ज्यादा। मेरे शोहर मिस्त्री हैं, उनको भी काम है, दो तीन घंटे में क्या काम बनता, फिर किराए के मकानदार हम भी तंग कर दे रहे हैं, और महंगाई भी बढ़ गई है, जरा आप लोग भी हम लोगों के बारे में सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे शोहर को हार्ट से दिल में काम करते हैं, हमारी बच्ची माँ से हमारे काम को ज़्यादा नहीं, कैसा खाना क्या खाना परेशान है, खाना नहीं कुछ नहीं है, परेशान है, माजूर बच्ची है। हमारे शोहर को हार्ट ऐसे घर में ही रहते, गोलियाँ खा लेते, परेशान है, खाने को खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशान है, फिर मदद करिए आप। मैं बेवा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा मैं अगला किले तो जी लेगी, तीन बच्चे हैं, घर किराए का है, मकान दराम किराए का, ऐसे तनखा से बाहर है, घर में कुछ भी नहीं है, एक बच्चा का अड्डे पे गए तो मार ले पुलिस वाले, अड्डे पे गए तो मार ले पुलिस वाले, तबियत भी खराब है, तीनों बच्चे भी छोटे हैं और मकान दराम भी कम कर रहे, घर किराए का है हमारा। मेरे को बीवी की बीमारी है, मेरे को गोलियाँ खाएंगे बोले तो भी पैसे नहीं है, घर में बच्चे बैठे हुए, हम खाएंगे क्या बोलो, बेटे को खाएंगे क्या, गोलियाँ ला के खाएंगे, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को गोलियाँ खाने तक भी पैसे नहीं, आप लोग आप मदद करेंगे तो हमारी कुछ तो भी सहारा मिलेगा, आप मदद करो हमारी कुछ तो भी गरीब। आप सबसे गुजारिश है हमारी मदद करिए, आप आके देखिए, वेरीफाई करके दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम, हमारे